अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से बसपा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे ने भी किया नामांकन। अयोध्या लोकसभा नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी रहे। मौजूद नामांकन के बाद बोले सच्चिदानंद पांडे, कहा, मेरे मुद्दे बिल्कुल साफ। अयोध्या की जनता अब तक सबका शासन देख चुकी है। इस शासन में आम जनता, जो एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास जनता है, वो भाजपा सरकार से खुश नहीं है। उसको लाभ नहीं मिल पाया है। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो यहाँ का नवयुवक है, जो छात्र है, कहीं ना कहीं वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली भी यहाँ नहीं है। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों में यह सरकार फेल हुई है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान, बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा गरीबों की पढ़ाई। बहन जी ने मुफ्त दे रखी थी, वे शिक्षा दे रही थी, रोजगार दे रही थी, नौकरी दे रही थी। आम जनमानस के लिए बीएसपी ने हमेशा काम किया और हमेशा काम करती रहेगी। इंडिया गठबंधन पर बोले विश्वनाथ पाल, कहा कोई गठबंधन नहीं है। 2022 में सपा के साथ जयंत चौधरी थे, ओम प्रकाश राजभर थे, संजय चौहान थे, पल्लवी पटेल थी, दारा सिंह चौहान थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे। आज उनके साथ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। बसपा का गठबंधन जनता के साथ है। इसी गठबंधन के बल पर 2007 में बसपा की सरकार बनी थी। इसी गठबंधन के बल पर देश में बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनकर आएगी। देखिए, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस लोकसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पर्चा मैंने दाखिल नहीं किया है, वो असहाय जनता जो है, आप समझ लीजिए जनता ने दाखिल किया हुआ है। और जहाँ तक बात है, जैसा कि मैंने भी बताया आप सबको, कि जो यहाँ पे विकास के मुद्दे होंगे, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन मुद्दों पे हम काम करेंगे। उसके बाद जो युवाओं के लिए जहाँ पे रोज़गार होगा, युवाओं का जो यहाँ पे अपग्रेडेशन होगा टेक्निकल स्किल्स के, उनकी जो शिक्षा होगी उसको अपग्रेड करने के लिए, तो उसके लिए हम काम करेंगे। डेवलपमेंट हब्स, ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट। तो जिससे कि जो हम बोलते हैं नौकरी रोज़गार देना, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि नौकरी रोज़गार कहीं पेड़ पे नहीं लगे हैं। हमको जनता को भी उस लायक बनाना है और सरकार के साइड से उस प्रकार के उद्योग भी लगाना है, तभी आप किसी को रोज़गार दे पाएंगे। तो ये सारे मुद्दे हमारे रहेंगे। फिर नगर से लेकर ग्राम तक जो बेसिक शिक्षाएँ हैं, जो बेसिक चीज़ें, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन पर हम काम करेंगे। अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक ये सभी कहते हैं कि भाई अब विपक्ष में मोदी जी हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी लड़ाई मोदी जी से है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रत्याशी जो है विपक्ष का अपने नाम पे नहीं लड़ रहा है। कुछ साइकिल वाले हैं जो कि माननीय अखिलेश जी के नाम पर लड़ रहे हैं, कमल वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई जो है मोदी जी से यहाँ पे।